सालाना 6000 रुपया दे रहे हैं किसान को सम्मान निधि, ठीक है। किसान जो भी चीज लेता है उसके ऊपर GST लग रहा है। बगवा लगा के, बगवा पहन के घूम रहा है राहुल गांधी। पहला कहाँ थे राहुल गांधी, पहला कहाँ थे? आज मोदी जी के तरफ कौन है जो क्या बताइए? जय श्री राम। मोदी सरकार आने के बाद इतना सुरक्षा हो गया, वह मिलिट्री से आप पूछिए, मिलिट्री आप पूछ लीजिए मिलिट्री से। आज डायरेक्ट बेनिफिट के किसानों की बात बताइए। इन्होंने एक मिनट मैडम, किसान सालाना इन्होंने कहा कि जितने भी, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, जितने भी वैज्ञानिक हैं सालाना 6000 रुपए दे रहे हैं किसान को सम्मान निधि, ठीक है। किसान जो भी चीज लेता है उसके ऊपर GST लग रहा है, तो GST तो लेस करना चाहिए ना किसानों के ऊपर? लेस नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर का सब्सिडी आता है, पहले 300-400 में गैस सिलेंडर आता था, सब्सिडी नहीं आती थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब गैस सिलेंडर 1200-1100 में आप दे रहे हो तो 200-300 वापस करके क्या मतलब हुआ? फिर भी तो 900-1000 का पड़ ही रहा है, मतलब घुमा के किसानों या फिर गरीब जनता का ही तो ले रहे हो आप। जो कांग्रेस सरकार की मनरेगा में सबसे बड़ा मतलब ये हुआ, मतलब हम बोलते हैं ना कि जब स्कैम हुआ, उस स्कैम को मोदी जी ने तो संसद में कहा है, मोदी जी ने तो संसद में कहा है कि आपकी मनरेगा को मैं अभी भी चालू रखा हूँ। और वो डायरेक्ट बेनिफिट अब मनरेगा के जो वहाँ पे आए थे पेपर में प्रेस के अंदर कि झूठे ही खाली कागजी वर्कर्स को अब बताकर वो सारे एक ही जेब में जाता था, आज उन सभी जेबों में जा रहा है जिनको वो जरूरत है। चाहे नहीं, इन्होंने एक बात बताई कि वैज्ञानिकों को पेमेंट अभी पैकेज बराबर मिल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक वीडियो आया था उसमें जो चंद्रयान लॉन्च किए थे उन्होंने वैज्ञानिक लोग सीधे बोले कि हम लोग को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। और उसमें एक वीडियो भी क्लिप आया था, आपने देखा भी होगा, उन्होंने कहा कि जब इनका फोटो लगाया वो वीडियो चलने लगा तो उन्होंने साफ कहा अरे ये कौन है, हटाओ यार अपने चंद्रयान को दिखाओ। देखो एक तो आप क्यों लेने जाते हो उपलब्धि रामायण के अंदर? वो भारत और इंडिया में कैसे खेल रहे हैं, इलेक्शन है तो भारत को बीच में ले रहे, इंडिया को भी बीच में ले रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हो? पार्टी है तो पार्टी के हिसाब से वो लोग चले गए क्या? आज जब रामायण भी थे, प्रभु श्री राम भी थे, उस समय भी रामायण काल में भी एक धोबी ने कहीं ना कहीं बोल दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी ने कोई वक्तव्य दे दिया तो उसका वो नहीं। एक धोबी नहीं, आप प्रधानमंत्री को धोबी नहीं बोल सकते, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री का धोबी नहीं बोला है मैंने, आपने जो बोला वैज्ञानिक, आपने वैज्ञानिक एक उदाहरण, मैंने वैज्ञानिक के रूप में बोला क्या किसी ने? सुनो मतलब मैंने क्या बोला? नहीं आप गलत ले रहे हो। मैंने क्या बोला कि धोबी ने भी प्रभु श्री राम के ऊपर लांछन लगा दिया था। अगर कोई वक्तव्य, अगर कोई आदमी, कोई 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 कर्मचारी, कोई वैज्ञानिक या कर्मचारी ने बोल दिया कि पेमेंट नहीं मिला तो उसको वो लांछन नहीं लगता है, उसके कारण के पीछे हमको जाना पड़ेगा। और वो खाली कई बार प्रेस अपने TRP के लिए भी कुछ चीजों को खाली आधा सच बताता है, हम पूरा सच नहीं देखते हैं। हाँ, इसलिए मैंने धोबी प्रधानमंत्री को जो मिला, धोबी प्रधानमंत्री जी तो हमारे देश के उद्धार करने वाले वो व्यक्ति हैं, वो दिव्य शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने आज भारत देश को आज कहीं विश्व गुरु पे लेके आए हैं। अरे भाई साहब का ऐसा इनका कहना है कि भाई आज है ना बॉर्डर पे ना, आज मिलिट्री का जो सुरक्षा नहीं है ये नहीं है, आज मोदी सरकार आने के बाद इतना सुरक्षा हो गया, वह मिलिट्री से आप पूछिए, मिलिट्री आप पूछ लीजिए मिलिट्री से, सुनिए ना उनके मनोबल। एक समय में कांग्रेस सरकार थी, सुनिए मेरी बात, एक समय में कांग्रेस सरकार थी, पूछना पड़ता था उनको कि हम फायरिंग करें कि नहीं करें। आज कांग्रेस सरकार नहीं है, आज BJP सरकार में जानकारी नहीं है, आर्मी का एक नियम होता है, उनका नियम होता है एक गोली भी वैसे नहीं चला सकते, तरफ से गवर्नमेंट के तरफ से सब सुविधा मिल रहा है, वैसा नहीं आज कोई भी पेंशन भी दिया है, पेंशन आ जाएगी एक एक जन। आज मेरे को बताइए कांग्रेस सरकार में कौन सा प्रधानमंत्री जाके सैनिकों के बीच में गया या दिवाली मना या कांग्रेस सर? अरे मुझे एक बात बताइए, कौन सा मैं यूपी का रहने वाला हूँ, एक मिनट, देश भर में भगवा लगा के भगवा पहन के घूम रहा है राहुल गांधी। पहला कहाँ थे राहुल गांधी? देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ इसलिए थोड़ा सा बात मैं यूपी का बात करता हूँ। आप देख लीजिए, ये ओपिनियन है, एक ओपिनियन है अपना। वहाँ पे बाबा जी की सरकार है, उन्होंने नीतियों की बात चल रही है ना,
द्वितीयों की बात में भगवान वहाँ पे एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं की इन्होंने। माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ पे हैं, उनको सीएम बनना चाहिए फिर से, और उन्होंने इतना विकास किया। मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि मैं भारत से खेल रहा हूँ, और सोनिया जी क्या बोल रहे हैं कि मैं इंडिया से खेल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? अपनी अपनी पार्टी नहीं है क्या उसके पास? जो टाइम पास करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। हम लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, बाकी सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं, आज 10 साल के शासन काल के अंदर आप देख लीजिए, और 10 साल के पहले शासन काल में देख लीजिए कितने कर्फ्यू लगे हैं, कितने कर्फ्यू लगे थे, कितने दंगे हुए थे। आज कंट्रोल इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत हुई है। हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हुई। सैन्य शक्ति के पीछे बजट मजबूत हुआ। आज डीआरडीओ में मैं ना अभी यहीं क्लियर कर देता हूं। आप लोग बताइए, हाथ उठाइए, कितने लोग भाजपा के खिलाफ हैं? हाथ उठाइए जरा भाजपा के कितने खिलाफ हैं? कैमरा दिखाओ। और मैं बोलता हूँ कि आज मोदी जी के तरफ कौन है? आज मोदी जी के तरफ कौन है? जो क्या बताइए। जय श्री राम। यही करके ये लोग दंगा फसाद चाहते हैं, बस यही करते हैं। दंगे वाली बात नहीं, विकास की बात। देखिए, वोटिंग आपने किया है तो सुनिए। डीआर, मैं आपको बताऊं, आज डीआरडीओ के अंदर आज हम उस सक्षमता, युवा पीढ़ी क्यों चाहते हैं? हाँ, 14 नंबर पे थे, आज 4-14 नंबर पे आया भारत। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, आज उनकी 3 मिलियन इकोनॉमी और विश्व की तीसरी आर्थिक महासत्ता की ओर हम अग्रसर है। दूसरा, उसके फैन फॉलोअर्स युवा, अगर युवा पीढ़ी, आज जो कॉलेज के छात्र है, युवा पीढ़ी है, आज सबसे ज्यादा उनको सोशल मीडिया पे अगर फॉलोअर्स है तो युवा पीढ़ी है। आज सबसे ज्यादा नहीं, अगर सबसे ज्यादा हम कोई नेता के पीछे देखते हैं। दूसरी बात, मैंने मेरा एक वक्तव्य पूरा करने दो, मेरी बात सुनिए। डीआरडीओ में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। आज भारत सैन्य शक्ति में, सैन्य उपकरण में आज आत्मनिर्भर हो रहा है, और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उन्होंने जो फैक्ट्री स्थापित की है, हम लाते सुरक्षा का 40 लाख करोड़ का, 40,000 करोड़ का हथियार खरीद के, हम क्या बात कर रहे हो? भारत में विकास नहीं दिख रहा है, आप चश्मा पहन के देखिए। मोदी विरोधी का चश्मा है आपको जो लगा है, तो आप वही चश्मा से देखोगे, लेकिन आप चश्मा उतार कर देखो कि विकास कहाँ, किस कगार पर पहुंचा है, और आज हमारा देश किस, आपकी नजर में क्या सब चला गया? ये जो बोल रहे हैं ना कि अर्थव्यवस्था तीसरी हो गई, लेकिन जो अर्थव्यवस्था पांचवी है, छठी है, उसकी पर कैपिटल इनकम देखो आप। हम तो पॉपुलेशन तो यहाँ कौन सी है, यहाँ की इकोनॉमी जो भी है वो सिर्फ 10% लोगों की इकोनॉमी है। जीडीपी में 10% लोग आते हैं। आप 25,000 रुपया भी कमाओ ने तो भारत में 20 में, टॉप 20 में आ जाते हो आप। 41,000 कमाओ, टॉप 10 में आते हो। तभी विकास, बाकी के 80% लोग तो 5 किलो अनाज रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की संख्या क्यों डबल और तिपर और चौगुना हो गई, मुझे ये बताइए। करोड़पति बढ़े कितने बने? इनकम टैक्स 6 करोड़ लोग भरते, पूछो इनको कितना। पहले क्या था और आज कितना था? आज उनको स्कैनिंग टाइम पे 8.5 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स का आता था, स्कैनिंग में नहीं आता था, ब्लैक मनी घूमता था। आज मोदी सरकार में स्कैनिंग में आ गए, सभी आईटी रिटर्न भरते हैं, और ब्लैक मनी घूमना आज बहुत कम हो गया है। गलत बोल रहे हो, मनमोहन जी के टाइम पे 8.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स आता था, आज भी उतना ही आ रहा है। कॉरपोरेट टैक्स मनमोहन जी के टाइम पे ज्यादा आ रहा था, आज कॉरपोरेट टैक्स कम आ रहा है, और कॉरपोरेट का जो पैसा माफ कर रहे हो, 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है 10 साल में आपने, किसी का और किसी का माफ नहीं किया है आपने। आज पहली बार ऐसा हुआ है, आपकी इकोनॉमी कागज पे है, जमीन पे नहीं है, गलत बोल रहे हो आप। पहली बार मोदी सरकार में ऐसा हुआ कि सेक्युलरिज्म का जो खोटा आंचल सब लोग ढके हुए थे, वो सेक्युलरिज्म का आंचल का पर्दाफाश हो गया। लोगों को पता चला कि 370 कलम किस तरह हट सकता है, और यदि पॉलिटिकल मनोबल है, अगर पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है तो राम मंदिर भी बन सकता है, और पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है तो आज
आज हम आज विश्व गुरु बनने के तेरे आज मोदी जी को कोई ऐसा मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, वो हमारा काम है। बाकी और इतने सारे मंदिर बने काम थे, आपका काम थे। सुनिए सुनिए भाई, आपका काम थे, इतना साल काम थे। आप इतना साल सरकार का काम है, इकोनॉमी देना सरकार। नहीं नहीं, सरकार की काम नहीं। कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं बने मंदिर? क्यों नहीं बने कांग्रेस के सरकार में? नीति नीति बनाना सरकार का काम है, मंदिर बनाना नहीं है। पे कैमरे हम सब भारत में सब धार्मिक लोग ही है। शुरुआत हुई है, आप लोगों का ओपिनियन बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग उसको ओपिनियन लेते रहेंगे, इसलिए आप खाली डेटा दीजिए, बाकी लोग समझेंगे किसको क्या करना है। अभी जो आपने कहा कि आर्थिक नीति पे जो बात कर रहे थे, उस पर आपका जो आंकड़ा है वो आप क्या देना चाह रहे हैं? आंकड़े सारे गलत ही दिखा रहे हैं सरकार। आंकड़े गलत दिखा रही सरकार, हाँ। मोदी सरकार, हाँ। अभी 8.4 का ग्रोथ दिखा रहा है अभी लास्ट क्वार्टर का जीडीपी का, वो किसके लिए है? कौन है जीडीपी में? मैं तो नहीं आ रहा हूँ। कस्मा तो मोदी भक्त लोग लगा लिए हैं, जो कि इनको दिखता ही नहीं है। मोदी के अलावा और कुछ इनको दिखता नहीं है। अगर इतना ही है तो ये ईवीएम बैन कर दे और बैलेट पेपर से अपना चुनाव कराए। सुनिए, फाइनेंशियल की रैंकिंग, एक मिनट, फाइनेंशियल की रैंकिंग जो विश्व की जो मुड़ी मेरे हिसाब से, सुनिए ना, फाइनेंशियल की रैंकिंग जब विश्व स्तर पे मूडी नाम की एक संस्था जब देती है, तो जब विश्व की सारी देश विश्व की फाइनेंशियल रैंकिंग देने वाली संस्था भी जब इंडिया को चौथी महासत्ता आर्थिक महासत्ता गिनती है और तीसरी महासत्ता की तरफ अग्रसर होने जाए, वो रैंकिंग क्या विश्व की गलत है क्या? जो यूएनओ की तरफ से मूडी की ने जो दिया था, क्या वो गलत है? अगर आप लोग बोलते हो कि सारे आंकड़े गलत है, तो गलत ने दिया हुआ है। आईएमएफ ने क्या बोला है भारत सरकार को कि अभी हम कर्जा नहीं देंगे आपको, 205 लाख करोड़ का कर्जा है देश के ऊपर। ये मनमोहन सरकार 70 साल में नहीं कर्जा हुआ था। आज दूध 30 रुपये लीटर था 70 साल लगा और आज 90 रुपया लीटर हो गया 10 साल के अंदर। कैसे बात कर रहे हो?